अगर आपकी सेहत ठीक नहीं रहती, कहीं ना कहीं आप बुझे बुझे से रहते हैं, आपको लगता है कि जो आप चाह रहे हैं उस हिसाब से जीवन में नहीं हो रहा है, आपके अंदर आलस भरा रहता है, आपके बॉस आपको सपोर्ट नहीं करते हैं, आपके घर के बड़े आपकी बातें सुनने को तैयार नहीं होते हैं, और आप कितना भी मेहनत कर लें आपको उसका फल आपको लगता है मिल ही नहीं रहा है, यश नहीं मिल रहा है। आप मेहनत करते रहते हैं और आपको ऐसा लगता है कि यश मुझे नहीं मिल रहा है, यश कोई और ले जा रहा है, लोग उसके बाद में मेरी बुराई कर रहे हैं, तो आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए और ये वाला उपाय आपको जरूर करना चाहिए। इन सारी चीजों को देने वाला होता है ज्योतिष में सूर्य। सूर्य जुड़ा हुआ है हमारी आत्मा से, हमारे आरोग्य से, हमारी सेहत से। तो जो हमें सेहत देने वाला है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस चीज के लिए ग्रह है, तो क्यों ना हम उसके लिए कुछ ऐसा उपाय करें जो कि हमें सारी चीजें मिल जाए। तो देखिए, जो सूर्य उदय के बाद का जो 2 घंटे होते हैं ना, वो बहुत ही जो सूर्य की रोशनी होती है बहुत ही अभी लाइट होती है, हल्की होती है, और वो बहुत पॉजिटिविटी देने वाली होती है, आरोग्य देने वाली होती है, आपकी सेहत को बढ़ाने वाली होती है। ज्योतिष में हम देखें, वास्तु में हम देखें, वो रोशनी, वो ऊर्जा हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। अगर ये चीज़ें हमें जीवन में नहीं मिल रही, तो हमें सूर्य के लिए कुछ करना ही पड़ेगा, और उस ऊर्जा को हमारे अंदर हमें ग्रहण करना ही पड़ेगा, क्योंकि सूर्य इन चीज़ों को देने वाला है। जब हम ज्योतिष में देखते हैं तो हम सब ये समझते हैं कि सूर्य आत्मा है और वो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में इम्पोर्टेंस रखता है। सारे ग्रहों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सूर्य को ही देते हैं। अब सूर्य के आसपास ही तो सारे ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, ये सब भी हम जानते हैं। तो सूर्य हमें सारी चीजें देखता है। हम देखें जीवन में जो भी हमें चीजें हमें सूर्य से ही मिलती है। सूर्य की ऊर्जाएं हमारे पास ना आ रही हो तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, जीवन में हम कुछ नहीं कर सकते, पेड़ पौधे कुछ नहीं कर सकते, किसी चीज का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा बिना सूर्य के। तो सूर्य हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, सूर्य की वो किरणों की वो ऊर्जाएं हमें चाहिए, और हमें एक लॉजिकल, एक साइंटिफिक तरीका चाहिए जिससे हम सूर्य की उन ऊर्जाएं को ले सकें। सूर्य को जल चढ़ाना वही एक तरीका है। जब हम सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो जल चढ़ाते हुए हम पानी के अंदर से सूर्य को देखते हैं, पूर्व की दिशा में जो सूर्य उगता है, फिर उसके बाद वो जो किरणें हैं जब पानी के अंदर से होके हमारे पास आती हैं तो वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, उनकी जो एक पॉजिटिविटी है बहुत बढ़ जाती है, उनकी क्वांटिटी बहुत बढ़ जाती है। तो हमें एक बहुत बड़े विस्तार से वो ऊर्जाएं मिल जाती हैं, और सूर्य को जल चढ़ाने से पानी के अंदर से आती हुई एकदम कई गुना बढ़ जाती हैं वो ऊर्जाएं। तो फिर हमारी आत्मा पुष्ट होती है, जो हमारे बड़े हैं, हमारे बॉसेस हैं, वो हमसे खुश होते हैं, हमारी सेहत ठीक रहती है, हमें आलस नहीं रहता, बुझा बुझापन नहीं रहता, हमारी आत्मशक्ति जो है वो जागृत होती है, हमें अच्छा लगता है, हम अपने आप को समझ पाते हैं, समझा पाते हैं, जीवन में आगे जाते हैं। जैसे एक लगता है ना आलस, बुझा बुझापन, एकदम डलनेस, फेस पे हमारे ग्लो आने लग जाती है, एक चमक आने लग जाती है, एक ऊर्जा आने लग जाती है, वो सकारात्मकता की कोई भी हमें देखता है तो खुश होता है। वो जो बुझा बुझापन हमारे शरीर के आभा मंडल में था वो निकलने लग जाता है, एक नकारात्मकता, नकारात्मक भाव जो हमारे अंदर से आ रहे थे वो निकलने लग जाती है, आशावादिता आती है, पॉजिटिविटी आती है, हम जीवन को लेके पॉजिटिव होते हैं, हम जहाँ जाते हैं लोग हमें देख के, जब हमारे आभा मंडल में नकारात्मकता नहीं रहेगी तो लोगों को भी अच्छा लगता है, लोग हमारे साथ प्यार से मिलते हैं, मिलना चाहते हैं, लोग हमारे करीब आना चाहते हैं, हमें हर चीज़ में ग्रोथ मिलती है, और यही ग्रोथ हमें सेटिस्फेक्शन देती है। जब हमें जीवन में कुछ मिल नहीं रहा होता है, क्यों? क्योंकि हमारे अंदर एक नकारात्मकता से आ जाती है। जब हम सूर्य को रोज जल चढ़ाते हैं, वो जो समय होता है सुबह का 2 घंटे होते हैं, उससे वो सकारात्मकता हमें मिलती है कि जीवन में जिस ग्रोथ की अभी तक हम कोशिश कर रहे थे वो हमें मिलती है। अब ये तो बात हो गई कि हमें सूर्य से क्या क्या फायदे हो रहे हैं। अब हम जब जल चढ़ाए तो क्या चीज़ें हमें समझनी। एक तो लोग ये कहते हैं कि हम भाई नीचे तुलसी का गमला रख के उसमें जल चढ़ा दें। नहीं, बिल्कुल, जब आप सूर्य को जल चढ़ा रहे हैं तो आप तुलसी में जल नहीं डालिए, कोई और गमला आप अपने नीचे पैर के पास रख सकते हैं जिससे आप सूर्य को जल चढ़ाएं।
फिर लोगों को एक और मन में वहम रहता है, अरे हमने जो सूर्य को जल चढ़ाया वो तो हमारे पैर पे ही उसके छींटे आ गए, तो फिर हमने तो जैसे चढ़ाया जमीन में और वो हमारे पैर पे भी जल गिर गया, और ये तो गलत हो गया, ये तो पाप हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप सूर्य को ऐसे सामने से आप जल चढ़ाएंगे तो आपके पैर पे तो छींटे आएंगे ही आएंगे। ये लॉजिकल है कि आपके पैर पे आप अपने हाथ को कितना खींचेंगे, कैसे खींचेंगे, आपके शरीर से कितना दूर जा सकता है आपका हाथ, जितनी उसकी दूरी है हाथ की उतनी तो आगे तक जाएगा, उससे आगे कैसे जाएगा। तो अगर आपको ये लग रहा है कि उसके छींटे आगे गलत हो गया, नहीं, इस तरीके की कोई भी चीज़ आप नहीं समझिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जब जल चढ़ाएंगे तो आपके ऊपर छींटे आएंगे ही आएंगे। देखिए, आप वहम नहीं कीजिए किसी भी चीज़ को लेके, किसी भी उपाय को लेके। ये उपाय हमारे अंदर पॉजिटिविटी देने वाले हैं, सकारात्मकता देने वाले हैं और लॉजिकल हैं। जब हम अंधविश्वासों में आ जाते हैं कि नहीं ऐसा हो गया, वहम में आ जाते हैं, तो वो पॉजिटिविटी हमें मिलती ही नहीं, क्योंकि हमारे मन में डाउट्स हैं, क्या ये चीज़ हम ठीक कर रहे हैं। आप करिए, पूरे आत्मविश्वास से, पूरी खुशी से करिए, तभी आपको उपाय सही तरीके से देने वाला है। फिर आप ये देखिए कि आप जब जल चढ़ा रहे हैं ना, तो आप अपने सिर के ऊपर से चढ़ाइए, लोटे को ऐसे करके, यूं करके आप जल चढ़ाइए। ऐसा नहीं कि आप नीचे से यूं चढ़ा रहे, नहीं, और आप धीरे धीरे लोटे को ऊपर ले करके जाइए सूर्य को देखते हुए। फिर देखिए आपके जीवन में कैसे ग्रोथ होती है। जैसे आप पानी चढ़ाना शुरू करते सर के ऊपर और धीरे धीरे अपने हाथ को ऐसे आप ऊपर लेते जाइए जल चढ़ाते चढ़ाते, फिर इसी से ही आपकी ग्रोथ होगी। लेकिन होता क्या, पहले सबसे ऊपर ले जाते हैं हाथ, ठीक है, और फिर उसके बाद नीचे ले जाना लोग शुरू हो जाते हैं, तो वो ठीक नहीं है। हम ऊर्जाओं को उठा रहे हैं, हम अपने जीवन में ग्रोथ चाह रहे हैं, तो फिर हम नीचे की तरफ को क्यों लेकर के आएंगे अपने हाथ को। जब हम कोई चीज उसके लिए कर रहे हैं तो हम ऊपर की तरफ को ही लेकर के जाएंगे, क्योंकि किसी भी चीज को, किसी भी उपाय को अगर हम करते हैं तो अगर हम पूरी सही विधि से उसको नहीं करते हैं तो हमें वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो उसके मिलने चाहिए वो नहीं मिलते। और फिर हम कहते हैं हम तो ये भी कर रहे हैं, हम तो वो भी कर रहे हैं, लेकिन एक भी उपाय ठीक से हम कर ही नहीं रहे होते, पूरा हम कर ही नहीं रहे होते, आधे अधूरे उपाय कर रहे होते हैं, गलत उपाय कर रहे होते हैं, सही सिस्टम से नहीं कर रहे होते, फिर हमें उसका फल मिलता ही नहीं, और फिर हम खुद भी परेशान होते हैं और दूसरों को भी दोष लगाते हैं कि हमें ये बोला था, हमें कुछ नहीं मिला। सही तरीके से बिना वहम के जिस चीज़ों को आप करोगे तो बेस्ट रहेगा, और अगर आप अंदर अपने वहम भी ले आओगे और सही भी नहीं करोगे तो कैसे इफेक्ट होगा। फिर है कि आपने बहुत ज़्यादा छोटा लोटा नहीं लेना है, कम से कम उतना तो लीजिए कि आप थोड़ी देर तक जल चढ़ा सकते सकें और उस सकारात्मकता को ले सकें। मैं दिखाती हूँ आपको, लोटा कम से कम कितना होना चाहिए, कम से कम आप इस साइज का लोटा तो लीजिए। अगर इतना भी नहीं होगा तो फिर कैसे जल जो भी आप डाल रहे हैं वो थोड़ी देर तक आप उसकी ऊर्जा को ग्रहण कर पाएंगे। इससे छोटा लोटा ले लेंगे तो आपको दिक्कत आएगी, बहुत बड़ा ले लेंगे तो आपको लगेगा कि मुझे बहुत टाइम लग रहा है। ये बेस्ट है, ये ठीक है, ये साइज एकदम ठीक रहता है, बढ़िया रहता है, इसमें हम जल भी चढ़ा लेते हैं, हमें सेटिस्फेक्शन भी हो जाती है। थोड़ा सा इससे आप बड़ा भी ले सकते हैं, अब आपके हिसाब से है, आपके आप किस हिसाब से आप कर रहे हैं, इस तरीके से है जब आप करने लग रहे हैं कि आप कैसे जल चढ़ा रहे हैं तो। लेकिन बहुत ज़्यादा इससे छोटा लोटा नहीं लें, फिर उसका सही इफेक्ट आपको नहीं मिल पाएगा। इससे बहुत ज़्यादा छोटा नहीं ले लोटा, नहीं तो आपको इसका सही इफेक्ट नहीं मिल पाएगा। तो देखिए, हम जो भी ये चीज़ें कर रहे हैं इनको जब हम बेटर तरीके से करें तभी हमें इनकी पूरी सकारात्मकता मिलती है, और हमको जीवन में सूर्य को जल चढ़ाने से फेम मिलेगा, सेहत मिलेगी, हमारे बॉसेस की हेल्प मिलेगी, घर में जो हमारे बड़े हैं वो हमारे सपोर्ट में खड़े हो जाएंगे, और बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि सूर्य तो देखिए सब कुछ देने वाला है। हमारा शरीर ठीक रहेगा, मन ठीक रहेगा, आत्मशक्ति जागृत होगी, और हमें क्या चाहिए। तो ऐसे ही बहुत सारे उपाय मैं आपको बताती रहती हूँ, और बहुत ही सरल भाषा में ज्योतिष को, इन सारी चीज़ों को समझाने की कोशिश करती हूँ। तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन सारी आए। वीडियो अच्छी लगती है लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और ऐसे ही जुड़े रहिए ज्योतिष से और ज्योतिषियों। बहुत सारी ऐसी ही बातें मैं आपके लिए लेकर के आती रहूंगी। मैं रमा जोशी, नमस्कार।